हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफ़ी यूनिक और बेहतरीन डिश, जिसको बनाना बहुत आसान होता है, खाने में बहुत टेस्टी होती है, एकदम यूनिक रेसिपी ये है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 आलू लिए हैं। इन आलू को हम टकला कर लेंगे। आलू को टकला करने के बाद में इनको हम कट करेंगे। बीच में से आलू को एक बार 1/2 में कट करना है और फिर इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में इसको कट कर लेना है। इसी तरीके से सभी आलू को हम कट कर लेंगे। फिर एक बर्तन में पानी रखेंगे गैस पे। पानी को हम गर्म करेंगे और सभी आलूओं को हम उसमें डाल देंगे। आलू को हम बॉईल करेंगे। लगभग 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। 8 से 10 मिनट में हमारे जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पे बॉईल हो जाएंगे। आप देखेंगे, हम चेक कर लेते हैं एक बार हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं नहीं हुए हैं। हमारे जो आलू हैं वो यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो सभी आलूओं को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। सारे आलू को हम निकाल लिए हैं एक बर्तन में। अभी इन आलूओं को हम अच्छे से मैश करेंगे। आलूओं को एकदम अच्छे से मैश करना है, बिल्कुल भी इसमें आपको गुठली वगैरह नहीं रहने चाहिए, ठीक है। अच्छे से सभी आलू को मैश कर लेना है। मैश करने के बाद में हमने यहाँ पे लिया है 125 ग्राम कॉर्नफ्लोर, हम इसको डालेंगे। इसमें अभी मैंने आधा कॉर्नफ्लोर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जो बचा हुआ कॉर्नफ्लोर है वो भी हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी क्रैक वगैरह नहीं रहना चाहिए। जितना अच्छे से बनेगा उतने ही हमारे जो पोटैटो मशरूम है वो काफ़ी अच्छे से बनेंगे। ये देखिए, हमारा काफ़ी अच्छा डो, सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अभी छोटा सा एक बाइट हम लेंगे और हाथों के बीच में रख के एकदम गोल इस तरीके से बनाएंगे। और फिर एक बॉटल हम लेंगे। यहाँ पे मैंने सोया सॉस का बॉटल लिया है, आप कोई भी बॉटल यूज़ कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से बीच में रख के इसको प्रेस करना है, जिससे आपका जो मशरूम का शेप है वो काफ़ी लुक वाइज अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। अभी एक प्लेट में हम रख लेंगे। चलिए मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ। छोटा सा बाइट हम लेंगे इसमें और दोनों हाथों के बीच में रख के एकदम राउंड राउंड करके अच्छे से गोल बना लेंगे। और इसके बाद में बॉटल से हम बीच में इसको सेफ देंगे। इस तरीके से प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक इसमें आ जाएगा और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आ जाएगा। ये देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है लुक वाइज। इसी तरीके से हम सारे मशरूम्स को बना करके तैयार कर लेंगे। जो हमारे सारे मशरूम्स थे वो यहाँ पे बनके तैयार हो गए हैं। देखिए लुक वाइज देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाले हैं। ये देखिए, इनमें कहीं भी आपको क्रैक्स वगैरह नहीं दिखेगा, एकदम लुक परफेक्ट बने हैं। अभी हमने एक कढ़ाई में पानी रखा है गैस पे, पानी को हमने गर्म कर लिया है और एक एक करके हम सारे जो मशरूम हैं वो इसमें डाल देंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई बर्तन लें तो इस तरीके से खुला हुआ बर्तन, बड़ा बर्तन लें जिसमें कि हम मशरूम को बॉईल करेंगे। खुले बर्तन से क्या होगा कि अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। अभी ये बॉईल होंगे तो थोड़ा और ये बड़े होंगे, फूलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे पकने लगे हैं और ये पानी में ऊपर आ गए हैं। 4 से 5 मिनट तक, घड़ी से लगा के 4 से 5 मिनट तक इनको बॉईल करना है पानी में मीडियम फ्लेम पे। 4 से 5 मिनट में अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। इसके बाद में इनको निकालना है और डायरेक्टली ठंडे पानी में इनको सोख देना है। ठंडे पानी में निकाल करके डाल देना है सारे मशरूम को। ठंडे पानी में डाल देंगे हम सारे मशरूम को और लगभग 1 मिनट तक इनको ठंडे पानी में रहने देना है। 1 मिनट के बाद जो सारे मशरूम थे उनको हम एक दूसरे बॉल में निकाल लेंगे। देखिए, मशरूम देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से पक भी चुके हैं। सारे मशरूम को हमने एक बॉल में निकाल लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे, लगभग 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें बारीक चॉप की हुई ग्रीन ऑनियन यानी हरी प्याज। 1 छोटी चम्मच डालेंगे हम इसमें चीनी और 1/2 छोटी चम्मच इसमें डालेंगे हम नमक। 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे रेड मिर्ची पाउडर। 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पिज़्ज़ा ओरिगेनो। इसमें 1/4 टीस्पून हम पिज़्ज़ा ओरिगेनो डालेंगे। ये एकदम ऑप्शनल है, आप डालें चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पीरी पीरी लिया है, यहाँ पे 1/4 टीस्पून हम वो डालेंगे। ये भी एकदम ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम एक तड़का इसमें लगाएंगे। तड़का देने के लिए हमने एक बर्तन में गैस पर 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें थोड़ी सी हमने हींग डाली है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद में इसको हम मशरूम के ऊपर डाल देंगे, अच्छा तड़का लगा देंगे।
तड़का लगाने के बाद में इसको हम अच्छे से सारे मशरूम को मिक्स कर लेंगे। सभी मशरूम को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाले हैं वो मशरूम में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है, टूटने का डर हो सकता है, तो हल्के हाथों से सॉफ्ट इसको मिलाएं। ये देखिए हमारे जो मशरूम अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो गए हैं, पूरा मसाला जो है अच्छे से यहाँ पे इसमें मिक्स हो चुका है। तो हमारी जो मशरूम की रेसिपी थी वो बनके यहाँ पे तैयार है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। ये देखिए लुक वाइज देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाले फ्रेंड्स। जब मैंने इसको बनाया था तो पता भी नहीं चला कब बना और कब ख़त्म हो गया। बहुत टेस्टी डिश है और बहुत ही आसान इसको बनाना है। हमारे जो पोटैटो मशरूम थे बनके तैयार हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।